हेलो एवरीवन। दोस्तों, कुछ दिन पहले एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो टीयर वन हुआ था उसकी आंसर की रिलीज कर दी गई। एंड आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आप लोग कितना रॉ स्कोर कर रहे हो उस पर्टिकुलर पेपर में। और जैसे ही आंसर की रिलीज हुई, उसके तुरंत बाद से ही कई सारे मैसेज और कमेंट आना शुरू हो गए कि भैया मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं, डीमोटिवेट हो गया हूं, टीयर टू के लिए प्रिपेयर करूं कि नहीं करूं या किसी दूसरे एग्जाम पे फोकस करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इसी के बारे में लोग बात करेंगे कि एग्जाम्स में जब हमारे कम मार्क्स आते हैं, एग्जाम खराब जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसा फील होता है, उस फीलिंग से डील कैसे करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब रॉ स्कोर चाहे आपके जितने भी आ रहे हो, आप कट ऑफ पार करोगे कि नहीं, शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर क्या होगा, कितना मिनिमम स्कोर चाहिए हमें एक जॉब सिक्योर करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन जो अगर आपके मन में है तो इनके आंसर आपको एनालिसिस वीडियोज के थ्रू मिल जाएंगे, जो कि एक दो दिन में आई एम श्योर कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पे ही, कहीं आपको और जाने की जरूरत नहीं। हम लोग यहां बात करते हैं मार्क्स के बारे में। दोस्तों, एग्जाम चाहे आपका जैसा भी जा रहा हो, मैं आपको पहले बता दूं कि आपका जो एग्जाम भी है वो भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही होता है, जो कि हम लोग अपने रूम पे बैठ के अक्सर देते रहते हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले 50 मार्क्स दे रखे हैं तो जो एग्जाम डे है आपका, वो आपका 51वां मार्क होता है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है ना कि एग्जाम्स को हम लोग कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं और मॉक टेस्ट को कुछ ज्यादा ही कम इंपॉर्टेंस दे देते हैं। अगर आपका एवरेज मार्क्स मॉक्स में 100-110 के आसपास है तो एग्जाम में भी आप उतना ही स्कोर करोगे, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करके आ जाते हैं कि हमारा एवरेज मार्क्स मॉक्स में 105-110 है, लेकिन एग्जाम में कुछ जादू हो जाए 140-145 हम लोग स्कोर कर लें एग्जाम्स में, ये सोच के हम लोग जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आपका जो रॉ स्कोर एग्जाम्स में है वो 100 के आसपास है तो डेफिनेटली आप में नॉलेज की कमी है, तो पहले तो आपको नॉलेज इंप्रूव करने की जरूरत है, और दूसरा कि हमें अपने मॉक टेस्ट को और ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि मॉक टेस्ट करता क्या है, हम लोगों को प्रिपेयर करता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जिस सिचुएशन को हम लोग वहां फेस करते हैं, उस सिचुएशन के लिए हमें तैयार करता है, हमें यूज टू कर देता है, ताकि वहां जाके हमारे लिए कुछ भी नया नहीं हो, किसी भी चीज को देख के हम लोग डरे या घबराए नहीं। एग्जाम्स में अगर आपके फेवरेट टॉपिक से अगर एक दो क्वेश्चन मिस हो गया तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, यार एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन वही चीज अगर मॉक टेस्ट में एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओ अपने फेवरेट टॉपिक से, तो आप तुरंत मॉक टेस्ट को ही कोसना शुरू कर देते हैं, यार ये तो इरेलेवेंट मॉक टेस्ट है, बेकार मॉक टेस्ट है, एक नंबर का घटिया मॉक टेस्ट है, इरेलेवेंट क्वेश्चन रहता है, मॉक टेस्ट को ही जज करना तुरंत शुरू कर देते हैं। मॉक टेस्ट में औसतन आप जितना स्कोर करते हो उतना ही आप अपने पेपर में भी स्कोर करने वाले हो, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले ही हमें पता होता है कि हमारा मार्क्स कितना आने वाला है, हमें ऑलरेडी इसका आइडिया हो चुका होता है, लेकिन स्टिल हम लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है, इस एक्सपेक्टेशन से हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एग्जाम से पहले 20 मार्क्स दिए होंगे, तो आप ही बताइए क्या उन 20 मार्क्स में आपके सेम मार्क्स आते थे, सेम एक्यूरेसी रहती थी, सेम परसेंट टाइम रहता था, नहीं ना, चेंज होता था, वेरिएशन होता था, कभी परसेंटाइल 90-92 भी हो जाता होगा, कभी 84-85 तक भी रह जाता होगा। तो क्योंकि आपका पेपर जो मेन पेपर है, एग्जाम का पेपर, वो भी एक मॉक टेस्ट ही है, वहां भी थोड़ा वेरिएशन हो गया, तो उस वेरिएशन को देख के हम लोग इतना ज्यादा दुखी क्यों हो जाते हैं, जबकि ये तो ऑब्वियस चीज है, वेरिएशन तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं पिछले 20 मार्क्स से, तो 21वां मार्क में अगर थोड़ा वेरिएशन हो गया तो उसको लेकर इतना ज्यादा हम लोग दुखी क्यों हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो आप टेक्स्ट बुक्स के द्वारा आने वाली इन दोनों स्मार्ट बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इन दोनों में 4,000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन है और textbook.com जो वेबसाइट है उसके सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस से कंपाइल कर दिए गए हैं, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस। अब ये एक स्मार्ट बुक इसलिए है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं सबके नीचे एक टाइम लिखा हुआ है, कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट का, उसी टाइम में आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये टेक्स्टबुक ने अपनी वेबसाइट से यूज की है कि उस पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन जो है वेबसाइट पे भी है, तो उसको मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व करने के लिए कितना टाइम यूज किया है, तो उसी के बेसिस से आपको एक मैक्सिमम टाइम नीचे लिखा हुआ है कि उसके नीचे ही आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां ये भी दिखने को मिल जाएगा कि कितने लोगों ने इसको करेक्ट किया था सॉल्व फर्स्ट अटेम्प्ट में और कितने लोगों ने इसको रॉन्ग किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये भी आपको पता चलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हर चैप्टर के शुरुआत में क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उस चैप्टर से रिलेटेड सारे ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को थ्रू आउट। तो अगर ये बुक्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हैं। तो ऑल इन ऑल बात यही है दोस्तों कि बुरा मत फील कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम्स काफी सारे हैं, 70,000 वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई हैं एसएससी के द्वारा, काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है बिल्कुल। और जो भी आपका मार्क्स अभी आया है, जितना जैसा भी परफॉर्मेंस आपका रहा है पेपर में, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप फिलहाल उसी के लायक हैं, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फिलहाल 100 मार्क्स के लायक हैं और आपको आ जाए 150, आप ऐसा चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। कभी अगर लक आपके फेवर में बहुत ज्यादा है तो शायद 1% चांस है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इंप्रूव करने के बारे में सोचिए, वही चीजें पढ़िए, उन्हीं चीजों को रेफर कीजिए जो कि आपको इंप्रूव करने में हेल्प करे। एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए ताकि जितना आप जानते हैं उसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो बस यही कुछ चीजें हैं दोस्तों, तो इसलिए निगेटिव मत फील कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा तो आपको वो मिल जाएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो कि मेरे साथ हुआ। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है एंड एवरी थिंग विल बी सॉर्टेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।